हाय, कैसे हैं आप लोग सब? वेल, अभी इस वक्त मैं रौनक को लेने जा रहा हूं। एंड जैसे कि आज रौनक का ब्लैक एंड वाइट डे था, है, अभी भी है, मतलब वो तो स्कूल में है तो है ही। तो आज जो उनको थीम दिया गया था वो ब्लैक एंड वाइट था, तो आज उसने पूरे ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहनकर गया है वो। एंड देखते हैं उनके स्कूल के बाहर वो उनके थीम के रिलेटेड चीज़ें वो बना के रखते हैं स्कूल के बाहर। तो लेट्स सी वहाँ क्या बना रखा है। मैं सीधे आपको अभी वहीं ले चलता हूँ, तो मिलते हैं सीधे वहाँ पर। वेल, तो दोस्तों रौनक वापस आ गया है। इस वक्त वो घर पे है मेरे साथ और मैं उसे लेकर आ गया हूँ। और रौनक जो है, रौनक हमें बताएगा कि आज का दिन उसका कैसा गया। ब्लैक एंड व्हाइट डे, ब्लैक एंड व्हाइट डे तो होता नहीं है, वैसे कलरफुल डे होता है, लेकिन इनके स्कूल में आज ब्लैक एंड व्हाइट डे मनाया गया है, इसलिए रौनक जो है ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहन कर गया। एंड एक छोटा सा पेंगुइन भी लेके गए थे ना आप? हाँ। वो किधर है? वो आपने कहा छुपा दिया? रौनक जो है अभी पेंगुइन लेने गया है। इतना छोटू सा पेंगुइन लेके गया था ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, और वो स्कूल से एक पांडा भी बना के लेकर आया है। तो टीचर ने उसकी हेल्प की और वो बना के लेके आया। रौनक अभी भी ढूंढ रहा है, ढूंढने में टाइम लग रहा है, और वो बैग खोल रहा है, बैग खुल नहीं रहा है, कोशिश कर रहा है, और इसी के साथ वो भागते 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 वो आ गया मेरे पास। वेल, ये जो है उसके हाथ में ये है पांडा जो उसने टीचर के साथ मिलकर बनाया। और ये छुटकू सा दिखाओ 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 दिखाओ। हाँ, ये है। ये क्या है? पेंगुइन। ये है पेंगुइन। वह तो रौनक पेंगुइन लेकर गया, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट थीम थी तो उसके हिसाब से लेकर गया वो। एंड ऑरेंज तो थोड़ा बहुत चलता है कलर तो। अरे, ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ थोड़ी अच्छी होती है, कलरफुल लाइफ अच्छी होती है कि नहीं? हाँ, तो पकड़ो इसको। मेरे पाँव पे तुमने क्या लगा दिया? इसको हटाओ यहाँ से, पांडा को अपने पास लेकर जाओ, हमारा पहाड़ी पांडा है ये। और भाई की बनू छे तू? और वेल दोस्तों, इस वक्त यहाँ पर जो है वो तो सफाई चल रही है। एंड वो घर में जो है वो सफाई करवा रही है, और उसके बाद हम जाएंगे बैंक, क्योंकि आज जो है वो बोबो का KYC अपडेट करना है। तो वो करने के बाद फिर रिधिमा को लेने हम उसके स्कूल जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों KYC के लिए बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक पहुंच के पता चला कि वहां पे उनको हार्ड कॉपी भी चाहिए, दो दो पासपोर्ट साइज। तो मैं वापस घर आया पासपोर्ट साइज फोटो लेके, अब वापस जा रहा हूं मैं बैंक। बबो और रौनक ऑलरेडी वहां पे हैं। चलो, प्रीतिमा को मैं स्कूल से लेकर आ गया हूँ। इस वक्त वो हैंगआउट में है। ओए, नीचे का वेदर बहुत अच्छा है, और रौनक जो है वो आज बोल रहा कि ऊपर नहीं जाना, नीचे ही खेलना है। तो उसने अपनी शर्ट निकाल के मुझे दे दी और भाग रहा इधर से उधर। मैं और रौनक इस वक्त हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। अब रौनक किधर छुपा है मुझे पता नहीं, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, और देखते हैं वो कहीं तो भागता हुआ दिखाई दिया मुझे। किधर है, किधर है? देख लिया। देखो, मैंने पकड़ लिया आपको। अभी रौनक का टर्न है, और रेडी रेडी। हाँ, आपने मुझे एक सेकंड में ढूंढ लिया यार। ओके, ये बात है। चल, अभी मेरी टर्न है, मैं जा रहा हूँ वापस। अभी हम पार्क में आ गए हैं और मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, और रौनक मुझे ढूंढ रहा है, और
मैं ऐसे कर रहा था कि मेरे को पता नहीं था आपने देख लिया था मुझे भैया पे छुपा हुआ था लेकिन एट लास्ट आपने मुझे ढूंढ लिया। अब मैं आपको ढूंढू वापस। चलिए ठीक है। देखो रौनक ने क्या ढूंढ ली यहाँ पे। आप डरा दे बता दिया जाओ प्यार करो जमीन का रही है आसमां कर रहा है साथ मेरे ये सारा जहां गर है। वहाँ पर अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। ये जो हमारा पार्क है चारों तरफ बिल्डिंगों से घिरा हुआ है सोसाइटी की एंड वो हमारा क्लब हाउस है इधर। गन चले गई। ओह सी कैट म्याऊ। का कपचे में दिखा भी नहीं दे रहे। म्याऊ निकल गए क्या? निकल गए खबर 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 ये रौनक लाइक्स यू। या व्हाट शी वांट्स टू से अरे या नाउ ही इज सिटिंग विद यू सी। उसको रौनक के पास ही जाना है। ये देखिए See, looking at you. You can touch, but no. Ronak loves cat. So beautiful. Yes. Say go, stand there. Rounox keep going after her only, see? Rounox is behind the cat. Ghar le jaate hain. No. You can't. बिस्तर के ऊपर चारों तरफ कपड़े ही कपड़े बिखरे हुए हैं और इन कपड़ों को संभालते हुए एना ली खुक रही थी। लीविंग वेल बोबो जो है वो दीमापुर जा रही है। उनकी मॉम की तबीयत थोड़ी खराब है तो वो वहां उनसे मिलने जा रही है। तो पैकिंग चल रही है। yes. कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है अराउंड 5:30 की। yes. और इस वक्त रात के बज रहे हैं 10:30 एंड पैकेज इज हेल्पिंग मी इन पैकिंग माय क्लॉथ्स। वेल हाँ वो तो है। हम दोनों एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। yes. तो बोबो की फ्लाइट जो है वो है सुबह 5:30 की एंड वो घर से यहाँ से निकलेगी अराउंड थ्री ओ क्लॉक वो यहाँ से निकलेगी। तो बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि वो भी मम्मी को ड्रॉप करने जाएंगे और अभी पता नहीं।
कब उनको नींद आया कुछ पता नहीं। अगर वो सो गए तो फिर तो ओला करके जाना होगा एनआरई को, वरना हम लोग सब तीनों के तीनों जाएंगे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट अर्ली आल्सो ना। हाँ उनका स्कूल था तो उन्हें जल्दी सुबह जल्दी उठ गए थे वो। एंड दे आर योनिंग बट दे आर नॉट स्लीपिंग। हाँ योन कर रहे हैं, काफी देर से योन कर रहे हैं वो। और हम कह रहे हैं कि अभी सो जाओ ताकि बाद में आपको उठा देंगे जब मम्मी जा रही होगी, लेकिन वो सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आइए दिखा दो दोनों क्या कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी रौनक भाई साहब को देखिए आप। एंड ये है रिधिमा, दोनों के दोनों। हाँ तो मार दो, आपके पास बैट है तो बस सब वेट कर रहे हैं। पैकिंग चल रही है, मैं हेल्प कर रहा हूँ। और कल से फिर हम तीनों यहाँ पे अकेले होंगे, मैं रौनक और रिधिमा। लेकिन शाम को फिर एक सरप्राइज आ जाएगा। सरप्राइज वो सरप्राइज मैं कल शाम को ही बताऊंगा, ठीक है। एंड वेल तो मैं अभी बोबो की हेल्प कर रहा हूँ पैकिंग में और कपड़े फोल्ड करने में, तो मैं फिर बाद में मिलता हूँ आप लोगों से दोबारा। इज इट टू मच? इज इट टू मच? मुझे तो 25 किलो से ज्यादा लग रहा है। रियली? सो लेट्स ट्राई, लेट्स चेक। घर में पैकिंग मैं ही करता हूँ। कपड़े तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। नो मम्मा जा रही है। अगर 25 किलो से ज्यादा हो तो फिर क्या करोगे एयरपोर्ट पे? पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। विल पुट ऑल दिस एंड चेक वंस हाउ मच किलो इट इज। वी हैव ना दैट मशीन। तेरे इतने सारे कपड़े हैं। शू भी नहीं आया। मेकअप का सामान भी नहीं आया। कैसे होगा? बैग भी नहीं आया। मैं पैकिंग करने में तो एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इतना सामान देख के तो भैया मैं अभी एकदम ढीला पड़ गया हूँ। रात के 2:30 बज चुके हैं और अभी बोबो के जाने का वक्त हो गया है। वेल दोनों बच्चे तो सो रहे हैं, रिधिमा को उठाने की कोशिश की हमने लेकिन वो उठी नहीं, और रौनक भी अभी करीब 1.5 घंटे पहले ही सोया। तो मैंने सोचा पहले कि मैं अकेले ही जाके बोबो को एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर के वापस आता हूँ, लेकिन बोबो ने मना कर दिया, बोला नहीं बच्चों को अकेले छोड़ के नहीं जाना है। तो अब बोबो जो है वो ओला से जा रही है यहाँ से एयरपोर्ट तक, तो अभी ओला का वेट कर रहे हैं, जस्ट वेटिंग फॉर ओला। तो दोस्तों बोबो भी तैयार होकर आ गई है। हेलो भाई, 3 बजने वाले हैं और ओला भी आने ही वाला होगा। बच्चे तो सो रहे हैं। हाँ बच्चे तो मतलब बहुत गहरी नींद में है यार, मतलब बोबो ने प्यार से कोशिश की कि वो उठे, कम से कम बाय बाय तो बोल दें, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रहे। चलो एनीवे, एंड वेल आई मिस यू। इवन आई विल मिस यू अ लॉट। आई मिस किड्स आल्सो अ लॉट। बोबो जो है यहाँ पे पूरा बंदोबस्त करके गई है। अभी वो पता नहीं अभी कितने दिन के लिए जा रही है, ये तो अभी कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन वो सारी एक जो घर की जो होम मेकर होती है वो उस हिसाब से उन्होंने सब कुछ फिक्स करके गई हम तीनों के लिए यहाँ पर। और कल का खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने हमारे लिए पहले ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है। वो अभी थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोई यार, आप सोचिए कि अभी पूरी रात वो अभी ट्रैवल करेगी। आई मीन 5:30 बजे सुबह की इसकी फ्लाइट है, और फ्लाइट में सो जाना थोड़ी देर अगर मौका मिले तो, एक घंटा तो एटलीस्ट सो ही जाना, पावर नैप ले लेना। फिर यहाँ से कैलकटा, फिर कैलकटा से फिर फ्लाइट चेंज करनी है दीमापुर के लिए, तो वहाँ पे कितने देर का होल्ड है? 2 घंटे
1.5 hour का होल्ड है. उसके बाद फिर वो दीमापुर पहुँचेंगी. तो वेल काफ़ी लंबा सफ़र है एंड होल्ड है तो नहीं कितने हैं? वैसे देखा जाए तो पूरा 1.5 दिन का हो गया यार. मतलब आज दोपहर से ही तैयारियां शुरू हो गई थी और अभी तक वो काम ही कर रही थी करीब 1 बजे तक 1.5 बजे तक. उसके बाद फिर वो फ्रेश व्रेश हुई, नहाए धोए जो भी कुछ है तैयारी की एंड अभी रेडी है, बैठी है और अभी वेट कर रही है. अभी फिर ट्रैवल करेंगी, ओला से जाएंगी, फिर वहाँ से फिर मतलब काम ट्रैवल ही ट्रैवल है यार, टाइम तो लगेगा. खैर एंड ये करीब 2 दिन चलेगा ना ये तो. अभी ऐसे 2 दिन ही हो गया ना, कल का पूरा दिन, आज का पूरा दिन. मतलब आज कितने 1-2 बजे पहुँचोगे तुम वहाँ पर दीमापुर में? ख्याल से पूरा ऐसे ही है. देखो सोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोई वो. एंड तो वहीं जाके सोई भी आराम करेगी अपनी मम्मा के पास जाके. एंड वेल तो ठीक है, अभी निकलने का टाइम हो गया, बुबो जा रही है तो मैं अभी सी ऑफ करूँगा उन्हें थोड़ी देर बाद. फिर उसके बाद कल मिलूँगा आपसे. टिल देन आप लोग तो सो रहेंगे इस वक्त, हम जागे हुए हैं. तो मिलते हैं जल्दी. बाय बाय. गुड मॉर्निंग गाइस. वेल कैसे हैं आप लोग सब? सुबह हो गई है, मैं सुबह ही सोया था. वेल करीब 5:30-6 बजे करीब. एंड जब तक वो फ्लाइट में नहीं बैठी तब तक मैं उससे बात कर रहा था. तो दोस्तों 11 बज गए हैं, बच्चे उठ गए, उन्होंने ही मुझे उठाया 11 बजे करीब. एंड बोला पापा कुछ खाना है. तो वेल लकीली बबो बना के गई थी तो मैं वही गरम करके उन्हें दे रहा हूँ. अरे वाह, बबो का फोन आ रहा है. चल मैं उसे बात करके फिर आप लोगों से बात करता हूँ. लगता है वो दीमापुर पहुंच गई है. जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड. तो दोस्तों बबो से बात हो गई है मेरी, वो वहां पहुंच गई है, सब ठीक ठाक से है. एंड अपनी मॉम के पास है वो इस वक्त. और दोस्तों बच्चों को मैंने नाश्ता करवा दिया है. अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. वेल अभी देखो अभी तक नहाया भी नहीं मैं. माँ घर में नहीं होती है बच्चों की, या फिर समझ लो बीवी नहीं है मेरी घर पे, तो पूरा घर इतर बितर हो जाता है. अभी तक तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है. रौनक अभी खा ही रहा है और रिधिमा ने अपना नाश्ता कर लिया है, वो पढ़ने बैठ गई है. उसके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, सर पर ही हैं. तो दोस्तों अभी देखता हूँ मैं क्या करना है. लेट्स सी. तो आप लोगों ने अभी मुझे, रिधिमा और रौनक को एयरपोर्ट में देखा. तो मैं वहां पे तो आप लोगों को बता नहीं पाया कि मैं किसे लेने आया हूं, लेकिन अब हम घर पहुंच चुके हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किसे लेने गए थे एयरपोर्ट. एंड वेल जैसे सुबह बोबो चले गई थी, मैंने बोला कि शाम को कोई आने वाला है, वो मैंने बताया नहीं था. तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि वो कौन थी या था जिसे हम लेने गए थे एयरपोर्ट. मैं, रिधिमा और रौनक. रौनक बताएगा. रौनक कौन आया हमारे साथ? पापा, आपका मम्मी. आपका मम्मी? वी 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 वी. तो दादी बोल, दादी दादा. ये देखो कौन बैठे हैं. आओ बैठो रौनक. वेल तो मेरी मम्मी आ गई है यहाँ पर और पापा भी आ रखे हैं. पापा तो सोने चले गए, काफ़ी लेट हो चुका है इस वक्त. और वेल
ये अब दोनों बच्चों को अकेले संभालना तो मेरी बस की बात थी नहीं, बब्बो है नहीं, तो यहाँ पे मेरी मम्मी भी आ गई हैं कि वो हम लोगों का ध्यान रखेंगे यहाँ पे, हैं पहलवान मम्मी जी हमारी। और कैसा लग रहा है मम्मी, देखो कितनी जल्दी जल्दी मिल गया ना अभी, देखो अभी जल्दी मिल गया। अभी कुछ दिन पहले मैं देहरादून गया था, मैं लास्ट मंथ ही गया था जैल में, और अब मॉम इधर आ गई, मेरी पापा भी इधर आ गए और अब हम लोग साथ में होंगे तो वेल। लेकिन बोबो नहीं है तो बोबो को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, है ना, है ना बेबी, मम्मा को मिच्ची कर रहा है। आ, आ, एक लड़की वहां पे भी बैठी है, थोड़ी दूर बैठी है। वेल तो दोस्तों यही था सरप्राइज, मेरी मम्मी थी सरप्राइज और पापा थे सरप्राइज, जो पापा सो गए हैं। तो वेल तो फिर अभी मैं ये जो ब्लॉग है इसे यहीं ख़त्म करता हूँ और कल से एक नई शुरुआत होगी, तो वेल कल मिलते हैं फिर। वेल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट।